राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर में कोरोना का बड़ा विस्फोट सामने आया है। पिछले 24 घंटे में 46 नए पॉजिटिव मामले निकलकर सामने आए हैं। सर्वाधिक 6 मरीज अकेले वैशाली नगर से सामने आए हैं। करीब 2 दर्जन इलाकों में सामने आए कोरोना के मरीज। तो आपको बता दें, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजधानी जयपुर की बात करें तो एक बड़ा विस्फोट कह सकते हैं, यहां पर कोरोना का निकलकर सामने आ रहा है। 24 घंटे में 86 नए पॉजिटिव मामले निकलकर सामने आए और सर्वाधिक 6 मरीजों की बात करें तो वो अकेले वैशाली नगर से निकलकर सामने आए हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट? जिस तरह से कोविड के बारे में कहा जा रहा है कि थर्ड लेयर ने जब से देना शुरू कर दिया है, उसी का जो कह सकते हैं अंदेशा जो बताया जा रहा था, उसके तहत अब केस जो है राजस्थान में भी बढ़ने लगे हैं। राजस्थान में बात करें तो जयपुर के अंदर आज बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है। इसमें अकेले जयपुर के अंदर 46 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें सर्वाधिक 6 केस अकेले वैशाली नगर क्षेत्र में सामने आए। लेकिन चिंता की बात इसमें यह है कि तकरीबन 2 दर्जन से अधिक इलाके ऐसे हैं जहां पर कोरोना के केस मिले हैं, जो कि इस बात के लिए घोषक है कि अब वापस से सभी जगह पे कोरोना के केस जो है तो संक्रमण की रफ्तार जो है बढ़ने लगी है। हम बात करें इलाकेवार, तो अजमेर रोड पर 3 केस सामने आए, बगरू में 1 केस सामने आए, बड़ी पार्क में 1 केस सामने आए, सिविल लाइन्स में 1 केस सामने आए, सी स्की में 3 केस सामने आए, दुर्गापुरा में 1 केस सामने आए, गलता गेट में 2 केस सामने आए, दूसरी खड़ी पे 2 केस सामने आए। इसके अलावा मुरलीपुरा में 4 केस सामने आए, सोडाला में 5 केस सामने आए। तो कुल्ला की बात यह करें कि जयपुर के कमोबेश हर इलाके के अंदर कोविड का पेशेंट जो है वापस नजर आने लगा है। एक तरफ जहां पर पहले पूरे प्रदेश भर के अंदर 30 एक्टिव मरीज तक की स्थिति आ गई थी और कोविड फ्री राजस्थान होने की स्थिति में आ गया था, लेकिन अब ये आंकड़ा वापस बढ़ गया है। 271 का ये आंकड़ा पहले कल तक क्रॉस कर चुका था, आगे जाकर के 300 के ऊपर पहुंचने की स्थिति अब बन गई है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि मामले जो निकलकर सामने आ रहे हैं उन पर किसी तरह से अंकुश लगाया जा सके। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो विकास, उनकी ओर से क्या कुछ पहल की जा रही है फिलहाल मामलों को लेकर? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ा फोकस इस बात को लेकर के है कि जो कोविड के केस आ रहे हैं उनमें किस तरह के सिम्टम्स के केस सामने आ रहे हैं, साथ में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस कितने हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट का स्प्रेड बहुत ज्यादा है। और इसलिए कोशिश यही की जा रही है कि प्रत्येक पॉजिटिव मरीज के सैंपल जो है उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए और जीनोम सीक्वेंसिंग समय पर होकर के और उनके जो कॉन्टेक्ट पर्सन है, क्योंकि ओमिक्रॉन के केस अगर मिलते हैं तो उनके कॉन्टेक्ट हिस्ट्री को पकड़ना और उस हिसाब से उन सभी लोगों की पहचान करके उनकी स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी है। और यही वो वजह है, चिकित्सा विभाग की चिंता की विषय यही है कि लगातार जो केस सामने आ रहे हैं तो इसलिए जीनोम सिक्वेंसिंग की स्पीड जो है वो बढ़ानी बहुत जरूरी हो गई। चलिए विकास, इन पूरे मामलों पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे।